नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका राजस्थान लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। और सीधे बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की। उसको लेकर बीजेपी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है और इसी के तहत खुद मुख्यमंत्री ने जयपुर के मालवीय नगर में झाड़ू लगाकर श्रमदान किया और लोगों से स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की अपील की। इससे पहले उन्होंने सफाई कर्मियों का सम्मान करने के साथ ही पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने रिसाइकिल ऐप का भी उद्घाटन किया। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें जहां पर पौधा लगाया गया, श्रमदान के जरिए झाड़ू लगाया गया, सफाई की गई और सफाई का एक मैसेज यहां पर दिया गया, क्योंकि स्वस्थ स्वास्थ्य सफाई के तहत आज श्रमदान पखवाड़े में शिरकत हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कार्यक्रम था मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के जन्मदिन का। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, एक जहां पौधे का कार्यक्रम किया गया, दूसरी तरफ जहां झाड़ू लगाकर सफाई व्यवस्था की गई, तीसरी तरफ जहां पर मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया गया। और मुख्यमंत्री ने भी जो सफाई कर्मी हैं, जो समाज को सुदृढ़ बनाती हैं, उनको किस तरह से शॉल ओढ़ाकर उनको सम्मान भेंट किया है। तो रिसाइकिल ऐप का भी मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। रिसाइकिल ऐप यानी कि कोई भी चीज जो खराब उसको फिर से रिसाइकिल करके और उसको फिर से किसी और रूप में या फिर से उसको काम के लायक में प्रयोग लाने के लिए उस ऐप का भी मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है और सफाई कर्मियों का सम्मान करने के साथ ही पौधा भी लगाया मुख्यमंत्री ने। लोगों से स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की अपील की है और खुद मुख्यमंत्री ने जयपुर के मालवीय नगर में झाड़ू लगाकर श्रमदान किया है। अदर प्रधानमंत्री मोदी का आज 74वां जन्मदिन है। बीजेपी इसे सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है और इस मौके पर उन्हें देश और विदेश से बधाइयां भी मिल रही हैं। तो वहीं उनके लिए प्रार्थना और दुआएं भी मांगी जा रही हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान पीएम मोदी के लिए विशेष पूजा की गई और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की गई है। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में जहाँ महाकाल के विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 74वां जन्मदिन है और उनके लिए ही ये प्रार्थना की जा रही है। तमाम लोग, बीजेपी का कार्यकर्ता, आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी की फोटो लेकर और उनके लिए मनोकामना कर रहे हैं, उनको उनका स्वस्थ जीवन रहे, वो खुश रहें, उनकी उम्र अच्छी रहे, इसको लेकर आप देख सकते हैं 74वें जन्मदिन पर किस तरह से सेवा भाव अर्पित करते हुए तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से सीधे महाकाल से ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि आज जहां बीजेपी सेवा पखवाड़े के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कुछ बोल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को कि आज ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन है तो देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़े नेता और उन्होंने राजनीति के साथ साथ सामाजिक सरोकार के कार्यों को जितना महत्व दिया है, मैं उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमने पूरे प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान का आगाज किया है, लगातार ये स्वच्छता अभियान चलेगा। और स्वच्छता अभियान ही नहीं, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकारों में स्वच्छता अभियान से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के एक पेड़ मां के नाम से लेकर के जितने भी अभियान हैं, हमारी सरकार निश्चित रूप से और हमारे राजस्थान की जनता उनको पूरा करेगी। और मैं आज के मौके पर राजस्थान की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर आह्वान को हमें आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के और एक पेड़ मां के नाम से लेकर के सभी अभियानों को आगे बढ़ाना है। आज राजस्थान के अंदर
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आप देख रहे हैं लगातार सुबह से ही शाम तक कार्यक्रम रहेंगे। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को यही कहना चाहता हूं कि हम विजन के साथ चलें। विकसित राजस्थान की जो हमारे मन में कल्पना है, मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाएंगे और राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने का काम करें। तो दो एप्लीकेशन भी लॉन्च किए जयपुर के लिए। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि हमारा जयपुर ने पूरे राजस्थान के हर कस्बा हमारा सफाई में नंबर एक हो। हमारी महापौर बहुत ही एक्टिव है, हमारे जो यहाँ सभी लोग हैं, हमारे महापौर उपमहापौर से लेकर के हमारे पार्षद, निश्चित रूप से हमारे जयपुर की अब की बार ग्रेडिंग आएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को क्या कुछ उन्होंने बोला है, लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और किस तरह से आज पीएम के जन्मदिन को लेकर उन्होंने कार्यक्रम को शिरकत ली और किस तरह से उनका अभिनंदन स्वागत किया, वो भी शब्दों के जरिए वो भी आपको सुनाया। चलिए आप खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि शिक्षाविद और अब बीजेपी का दामन थाम चुके गौरव बल्लभ जोधपुर में सामाजिक समारोह में बतौर अतिथि शिरकत की और इस दौरान न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की और अपने गृह जिले में प्रवास के दौरान गौरव बल्लभ ने कई मुद्दों पर बेबाकी से बात की। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को नाटक बताते हुए कहा कि आप पार्टी डीपीपी पार्टी यानी कि दारू प्रेमी पार्टी बन चुकी है। क्या कुछ और कहा है वो आपको सुनाते हैं। आदमी पार्टी जो एएपी है उसका नाम हो गया डीपीपी दारू प्रेमी पार्टी। उनका मुख्यमंत्री दारू के भ्रष्टाचार में जेल में था, एक जो पंजाब का मुख्यमंत्री दारू की ऐसी अवस्था में फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर पहुंचा जिसमें हवाई जहाज में फिट टू फ्लाई नहीं माना गया, उसको हवाई जहाज से उतारा गया मान साहब को, क्योंकि वो उन्होंने इतनी ज्यादा दारू पी ली। दूसरे उप मुख्यमंत्री जो मनीष सिसोदिया जी है वो भी दारू के भ्रष्टाचार में अंदर। आम आदमी और दारू का संबंध क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा। और अब ड्रामे की हद देखो, 6 महीने पहले एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है, वो मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता है, पर अब उनको लग रहा है कि जो जनमानस है, जो मैंडेट है, वो अब दारू प्रेमी पार्टी को नकार चुका है। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की जो ड्रामा है उसको नकार चुका है। इस ड्रामे को अगर नकार चुका है तो अगर उनको इस्तीफा देना है तो 2 दिन बाद कौन सा मंगलवार का कौन सा मुहूर्त है? आज सबसे बढ़िया मुहूर्त था इस्तीफा देने का, पर ड्रामा करना है 2 दिन, उसको शहादत बनाना है उसको। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा, आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया एक्स साइट पर गृह मंत्री ने क्या लिखा है। दरअसल उन्होंने लिखा, अपने अथक परिश्रम, साधना और दूरदर्शिता से देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले और भारत का गौरव बढ़ाकर विश्व में नई प्रतिष्ठा दिलाने वाले जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। तो अपने अथक परिश्रम, साधना, दूरदर्शिता से देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले और भारत का गौरव बढ़ाकर विश्व में नई प्रतिष्ठा दिलाने वाले जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ये एक्स मीडिया पर, सोशल मीडिया पर खुद गृहमंत्री अमित शाह ने आज 74वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये ट्वीट कर अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को, अपने स्नेह को पीएम के प्रति जताया है। जरियाबाद बीकानेर के श्री डूंगागढ़ से बड़ी खबर की, जहां पैदल जा रहे यात्रियों को कार ने कुचल दिया है। दरअसल इस दुर्घटना में 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसकी हालत गंभीर होने पर सीधे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। कांकड़ भैरव जी मंदिर से पैदल पहले यह हादसा हुआ है। श्री डूंगागढ़ पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। श्री डूंगागढ़ से पैदल टोलिया सर ये सभी श्रद्धालु जा रहे थे, उस दरमियान एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उनको रौंदा, टक्कर मारी, इसमें 2 महिला यात्रियों की मौत हो गई।
और कुछ घायल जिनको सीधे ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। आपको ये सीधे जो तेज रफ्तार कहर बनकर इन यात्रियों के ऊपर से गुजरी उसकी तस्वीरें उस कार की आप देख सकते हैं। आगे का जो हिस्सा है बोनट है वो कितना बुरी तरीके से चकनाचूर है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से। और अब बात कोटा से बड़ी खबर की। बस और बाइक की टक्कर में 3 की मौत का मामला सामने आया है। लुहावद गांव के निवासी सभी बताए जा रहे हैं मृतक। सरहदी इलाके में श्योपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ। एक बाइक पर 3 लोग सवार थे, एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लोग जा रहे थे। पिता पुत्र सहित 3 के शव को मोर्चरी में फिलहाल रखवा दिया गया है। तो बस और बाइक की टक्कर में 3 की मौत, पिता पुत्र और एक बाइक पर 3 लोग सवार थे। किसी कोई कार्यक्रम था जिसमें वो शिरकत होने के लिए जा रहे थे, उसी दरमियान बाइक और बस की भीषण भिड़ंत हुई और जिसमें पिता पुत्र और एक शख्स और उनके साथ यानी कि कुल 3 लोगों की उस रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। 3 के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। और इधर अजमेर में चोरों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस चोर को पुलिस ने सुबह पकड़ा वो दोबारा से चोरी करने उसी घर में पहुंच गया, लेकिन इससे पहले वो अपने मंसूबों में सफल हो पाता वो लोगों के हाथे चढ़ गया और लोगों ने जमकर उसकी धुनाई कर दी। मामला आदर्श नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस की कार्यशैली पर लोगों में नाराजगी है। हाँ, ये आज सुबह मेरे को इतला मिली थी कि आपके मेरा ये पेरेंटल हाउस है जो हाउस नंबर 68A आदर्श नगर के अंदर और मेरा वर्तमान निवास परिवहन नगर के अंदर है। और मेरे को इतला मिली कि कोई व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति आपके मकान में खटड़ पटड़ कर रहे हैं, तो मैंने आके मतलब देखा तो वास्तव में यहाँ पे दरवाजे वरवाजे तोड़ रखे थे उन्होंने और मतलब अंदर कोई एंट्री ऐसी लग रही थी। फिर एक व्यक्ति पकड़ाई में भी आया उसको कि हमने पुलिस को सुपुर्द कर दिया और वही व्यक्ति फिर वापस शाम को आ गया। और धौलपुर जिले में चोरों का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोतवाली थाना इलाके के कालीमाई बजरिया तिराहे पर चोरों ने एक दुकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि दुकान में रखी करीब 70,000 की नकदी के साथ ही भारी मात्रा में दुकान से घी और मेवे पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने चोरों की तलाश तेज कर दी। मैं अब रात को फोन आया था, उन्होंने बोला चोरी हो गई है। तब घर से आया 6 बजे तो मैंने देखा कि 7,500 में नकद थे गैस, वो चले गए और एक किसमिस की पेटी थी मेरी, मैकल बैग सुनाई थी, 5 किलो काजू का डब्बा था और कुछ बिस्किट भी है 5-4। कुछ सामान जो चला गया थोड़ा अंदा नहीं कर पा रहा हूँ, अब मालूम पड़ेगा और क्या क्या गया है। और मैं चोरों के खिलाफ अभी पुलिस को कम्प्लीट की, मैंने पुलिस वाले आए थे अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, अभी जाके उनकी रिपोर्ट कराऊंगा मैं जाके। नहीं तो हजारों रुपए की नकदी लेकर किस तरह चोर फरार हुए उसकी तस्वीरें आप देख सकती है। और लगातार चोरों की घटनाओं से चोर जो चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, चोरी की घटनाओं से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। चोरों ने किस तरह दुकान का ताला तोड़ा, उसे रखे सामान को अस्त व्यस्त किया, हजारों की रुपए की नकदी लेकर वहां से वो फरार हो गए। अदर उदयपुर में लोडिंग अनलोडिंग शुल्क के उल्लंघन और ट्रांसपोर्ट की हड़ताल को लेकर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राणावत ने कहा कि हम अपने ट्रांसपोर्ट्स के साथ हैं, ट्रांसपोर्टर्स के साथ हैं और इस कठिन समय में उनकी परेशानियों को समझते हैं। 1 सितंबर से फैक्ट्री मालिकों ने इस समझौते का उल्लंघन कर ट्रांसपोर्टरों पर लोडिंग शुरू का बोझ डालना शुरू कर दिया और फैक्ट्री मालिकों का तर्क है कि उन्हें उत्पादन लागत बचाने की आवश्यकता है। अभी जो हमारे एसोसिएशन के बैनर तले जो भी सैकड़ों हजारों लोग जो आंदोलन किया जा रहा है, जिसका माल उसका माल, यानी इसका ये मतलब होता है जिस फैक्ट्री मालिक का जो माल होगा वही हमाली का पैसा देगा, यानी मजदूरी हमालों को मजदूरी वो फैक्ट्री मालिक ही दिया जाए या फिर कोई खरीदने वाला माल को खरीदने वाला हमाली का पैसा दिया, ट्रक वाला ट्रांसपोर्ट वाला ड्राइवर ये नहीं देगा। हम ये आंदोलन लोडिंग अनलोडिंग के लिए कर रहे हैं। 1921 में हमारा कंप्रोमाइज हुआ, 2021 में सभी लोगों ने, यहाँ के व्यापारियों ने, यहाँ के इंडस्ट्री मालिकों ने, सभी लोगों ने हमें लिख के दिया कि हम लोडिंग अनलोडिंग नहीं रहेंगे।
और अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां बालाजी मेला कमेटी के आयोजित मेले में अश्लील डांस देखने को मिला। मेले में कई बॉलीवुड गानों पर डांस किया गया और अश्लील डांस की वो एक झलक आपको दिखाते हैं। तो बालाजी मेला कमेटी का ये कार्यक्रम था और उसके सामने आप देखिए कि बॉलीवुड गानों पर किस तरह से अश्लील डांस किया गया है। कई बॉलीवुड गानों पर मेले में ये अश्लील डांस का एक वीडियो आपके सामने। अजमेर के किशनगढ़ से ये खबर है। कार्यक्रम आपको बता दें कि किशनगढ़ से जो खबर हम आपको बता रहे हैं, वहां पर बालाजी मेला कमेटी आयोजित थी और उस जो मेला था उस मेले में किस तरह से कई बॉलीवुड गानों पर अश्लील डांस पेश किए गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। और क्योंकि डांस को देखने के लिए वहां पर भीड़ काफी ज्यादा आपको दिखाई पड़ रही है, इकट्ठा हो गई, जिनको तितर बितर करने के लिए पुलिस वहां पर लाठी के साथ मौजूद रही। और इधर अलवर से बड़ी खबर है, अजगर एक कुत्ते को निगल गया। बड़ी खबर आपको अलवर से बता रहे हैं। प्रताप बांध शहर के कई लोगों में दहशत है और लोगों की यह मांग है कि अजगर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वन विभाग की तरफ से अजगर की आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं, कितना बड़ा अजगर, और एक अजगर पूरे एक कुत्ते को निगल गया। ये मामला अलवर का है। प्रताप बांध शहर के लोगों में अजगर को देखने के बाद भीषण वहां पर दहशत है लोगों में और उनकी सीधे फौरन वन विभाग से ये मांग है कि वन विभाग, जो अजगर इतना लंबा चौड़ा आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है, उसको फौरन पकड़ा जाए, उसका रेस्क्यू किया जाए और उसको जंगल में जाकर छोड़ा जाए। ये आपको सीधे तस्वीरें दिखा रही है। जो अजगर आप देख रहे हैं, यही वो अजगर है जिसने एक कुत्ते को निगल लिया है। ये अजगर पड़ा हुआ है, क्या नाम, कुत्ता निगल लिया इसने, साबता इसको कोई ले जा ही नहीं रही। आसपास के पड़ोसियों से भी कह रहे हैं बहुत खतरा है इसके, इससे तो हमारे जानवरों को निगल जाएगा ये, इसको हटाएं कोई यहाँ से। इधर हम भी रहते हैं, हमारे कुत्ते पिल्ले और भी बहुत जानवर रहते हैं, आते जाते हैं, इनको अगर यहाँ से इसको हटा दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहे, अभी पड़ा हुआ इस टाइम खा करके इसको। और चलिए दौसा से बड़ी खबर आपको बताते चले, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई है। एक्सप्रेसवे पर करीब 10 फीट का गड्ढा हो चुका। अचानक सड़क धंसने से एनएचएआई प्रशासन में हड़कंप मच गया। एनएचएआई लगातार सड़क की मरम्मत कर रही है। समय पर पता चलने के चलते बड़ा हादसा टल गया है। आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। अचानक सड़क धंसने से एनएचएआई प्रशासन किस तरह हड़कंप में आ गया और लगातार उस सड़क की मरम्मत की जा रही है। ये नेशनल हाईवे है। दरअसल एक्सप्रेसवे पर करीब 10 फीट का गड्ढा हुआ। गनीमत यह रही कि समय रहते ये गड्ढा जो था ये इसके बारे में पता चल गया, वरना भीषण सड़क हादसे हो सकते थे। और वैसे भी नेशनल हाईवे पर अगर आप देखें तो गाड़ियों की जो रफ्तार होती है वो अपने दुगने स्पीड में चलती है। उसके पहले यहां पर कोई सड़क हादसा हो पाता, इसका शिकार कोई हो पाता, उससे पहले ही यहां पर एनएचआई के प्रशासन जुट गया है। लगातार मरम्मत का काम जारी है। और अब बात कोटा से बड़ी खबर की। जुलूस में तिरंगे का अपमान करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अमन अली, अशफाक और अमन अनंतपुरा इलाके के निवासी हैं। धारा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत मामला दर्ज हुआ था। तिरंगा के अशोक चक्र के दोनों तरफ चांद तारे लगाए गए थे। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने काफी ज्यादा आक्रोश जताया था। कल थाने के बाहर विधायक की मौजूदगी में धरना प्रदर्शन करने के साथ ही चेतावनी भी दी गई थी। मामले में कल एक नाबालिग को पहले ही निरुद्ध कर लिया गया था। आनंदपुरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तिरंगे से खिलवाड़ नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रीय ध्वज से छेड़छाड़, नाबालिग ठहराया जिम्मेवार। ईद के जुलूस किसकी करतूत।
तिरंगे का अपमान, किसकी साजिश। तस्वीरों में तिरंगे के साथ छेड़छाड़ साफ नजर आ रही है। ये तस्वीरें देश की एकता और अखंडता पर आघात कर रही हैं। ये तस्वीरें ईद के जुलूस की हैं, जिसने राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुंचाई है। जुलूस में इस शर्मनाक कृत्य के बाद अनंतपुरा थाने के बाहर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और देर शाम तक प्रदर्शन जारी रहा। इस मौके पर विधायक संदीप शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की। हालांकि देर रात प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। पुलिस की ओर से एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया और आपत्तिजनक झंडा जब्त कर लिया गया। लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कार्रवाई नहीं होने पर और बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। जिस राष्ट्र के लिए हजारों सैनिक कुर्बान हो गए, जिस भारत माँ के लिए हमारे भारत माँ के सपूतों ने अपनी बलिदान कर दिया, उत्सर्ग कर दिया, न्यौछावर कर दिया, और इस तरीके से ऊंची घटना वास्तव में दिल को दहलाने वाली है, दुखी कर देने वाली है, और इसमें प्रशासन को प्रसंज्ञान ले। ये मांग हमारे भजन दल के कार्यकर्ताओं की है, विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं की है। मेरा मानना है कि ऐसी घटना बहुत गंभीर है, क्योंकि भारत माँ के उस तिरंगे को लहराने के लिए जहाँ कई जवान अपनी जान दे देते हैं, सीमा पर उस झंडे को लहराने के लिए, सीधा खड़ा करने के लिए अपने शरीरों पर गोलियां खा लेते हैं, ऐसे झंडे का इतना बड़ा अपमान, निश्चित रूप से ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। पुलिस ने सुबह 9 बजे तक कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो अगले दिन अनंत चतुर्दशी के जुलूस के साथ प्रदर्शन होगा। वहीं इस मामले पर मदन दिलावर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह घटना देश के खिलाफ साजिश है, तिरंगे के सम्मान को हम कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। उन्होंने कोटा रेंज के आईजी से बात करते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया है। यह मामला सिर्फ एक शहर का नहीं, बिहार के सारण से भी ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई, जिसका लोगों ने पुरजोर विरोध किया है। वहीं कोटा में जो हुआ वह एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है। अब नजरें सुबह 9 बजे पर है, जब पुलिस की कार्रवाई का परिणाम सामने आएगा। देखना होगा कि कोटा पुलिस इस संवेदनशील मामले में कितनी त्वरित और कठोर कार्रवाई करती है। कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और फिर से आपको जयपुर की तरफ रुक करके लेकर चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14वें जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम है और जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। जयपुर से सीधे तस्वीर आप देख सकते हैं। सदस्यता अभियान का ये कार्यक्रम है सेवा पखवाड़े के तहत, जहां इसके पहले आपने देखा कि श्रमदान जो कार्मिक थी उनका सम्मान किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, पौधा लगाया गया, झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान को लोगों को एक मैसेज देने की वहां पर कोशिश की गई। ये सब सेवा पखवाड़े के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब सेवा पखवाड़े का ये जो चौथा कार्यक्रम आप मान सकते हैं, जहां पर सदस्यता अभियान जो बीजेपी का चल रहा है, जहां 2 करोड़ से ज्यादा का टारगेट उसको बढ़ाने का, बीजेपी के अपने परिवार को, अपने कुनबे को बढ़ाने का टारगेट रखा गया है, जिसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा की गई थी। और इस आज 74वें जन्मदिन पर पीएम के आज उस सेवा पखवाड़े के तहत सदस्यता अभियान के तहत ही इसको आज फिर से आप देख सकते हैं, उसके लिए मंच सजाया गया है, उसके लिए विशेष कार्यक्रम किए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचने जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे बीच में पधारे हुए, हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे विधेयक, उनका स्वागत है, अभिनंदन है, सभी ताले बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें।
और इसी के साथ ही राजस्थान लाइव में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और आपको मालूम है कि पितृपक्ष आने वाला है, तो पितृ दोष कैसे आप करें दूर और उससे क्या सेवा भाव अर्पित किए जाते हैं, क्या फल कमाया जाता है, वो आपको अगले कार्यक्रम में दिखाते हैं। नमस्कार।